शहर बाजार असी लोड़ थके मिलिया नहीं यो घूमे यार सड़ा। बान वसीम, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर की और पहाड़ी लैंग्वेज की एक ऐसी सेलिब्रिटी हमारे साथ बैठे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैयद तारिक परदेसी साहब से। आज हमें बड़ी मुद्दत की ये बात मिले, हमने ये अजम थामा कि हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे, कुछ माकूल क्वेश्चन भी इनसे अराइज करेंगे। काबुल साहब, सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपकी ब्रदर को भी। काबुल साहब भी आजकल जम्मू एंड कश्मीर की एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहोगे जो आजकल के सिंगर हैं, जो आजकल इस फील्ड में कदम रख रहे हैं? पहले तो मैं आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस काबिल समझा कि मैं आपकी महफिल में बैठ के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं या आपसे गुफ्तगू कर सकूं। बात शुक्रिया मैं अर्ज़ करूंगा कि आपने काबिल बुखारी साहब की बात छेड़ी कि वो आज जम्मू कश्मीर की इस कौम के सेलिब्रिटी हैं, कौम की शान हैं। तो ये सारा कुछ होता है इंसान को एक पक्के इरादे से और एक मेहनत से, लगन से। हमारे ख़ानदान में मैं तो पहला आदमी था जिसने ये स्ट्रगल स्टार्ट किया, लेकिन मैं काफ़ी मुश्किलों को देखते हुए भी मैं पीछे नहीं हटा। मैं कुछ करता गया जितना मुझसे हो सकता था। जब मैंने स्टार्ट किया तब बड़ी मुश्किलें थी, इस चीज़ का कुछ ज़रिया भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, नेटवर्क नहीं था, मोबाइल सिस्टम नहीं था, सब कुछ पैदल जाके सब कुछ करना पड़ता था। इवन के गाड़ियों का भी जो इंतज़ाम आज है तब नहीं हुआ करता था। उसके बाद मैंने जहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद 2009 से 10 के बीच में काबिल बुखारी साहब ने 10+2 किया श्रीनगर से। तो उसके बाद उनको डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर डिग्री की, ग्रेजुएशन की, फिर उन्होंने MA MPhil किया, अभी PhD की तैयारी है उनकी। तो ये सब कुछ पॉसिबल तब होता है जब आप लगन से, मेहनत से काम करते हैं। तो बाकी के लिए जहाँ तक आपने बोला कि मैसेज क्या है नए यूथ के लिए, नए टैलेंट के लिए, नए लोगों के लिए, नए आर्टिस्टों के लिए, तो उनसे, उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि वो मेहनत करें। क्या नहीं हो सकता अगर वो मेहनत करेंगे, सीखेंगे। हाँ, कोई कहे जी कई बार हमें क्या होता है कि मुझे कई लोग मिलते हैं, लड़के नए मिलते हैं, जी आप तो माशाल्लाह अच्छा गाते हैं, उस्ताद बन गए, निकल गए, ये वो वगैरह। हम भी हैं मगर हमें किसी की सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले किसी की सपोर्ट नहीं होती, पहले किसी की सपोर्ट नहीं मिलती, पहले कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता। पहले आपको कुछ करना पड़ता है, आपके अंदर हुनर होगा, आप कुछ सीखे होंगे, रास्ता आपको बाद में खुद मिलेगा। जो भाई थे जो डेथ हो चुके थे, तो उनके बाद आपने मियां मोहम्मद बख्शी साहब के जो कलाम थी उनको मंजरेआम पे लाया। हमें याद है कि कैसेट थी आपकी, वो काफ़ी उस दौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुनी। वहाँ से आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट पड़ गया कि मैं आगे जाऊँ, चाहे वो श्रीनगर के अंदर हो या किसी और जगह पे हो, आपने स्टोज शो किए। तो पाकिस्तान के अंदर भी आपके चाहने वाले बहुत थे, वहाँ पर भी आपके बहुत से स्टेज शो हुए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने और दो लाइनों में आप बहुत बड़े सवाल करते हैं। जहाँ तक मेरी स्टार्टिंग की बुनियाद है, वो मेरी शौकिया दौर पे थी। मेरा शौक था बचपन से, छोटा यानी तीसरी चौथी क्लास में मैं था, स्कूल में मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैं 92-93 में मेरी पहली कैसेट आई श्रीनगर से, एक कैसेट इंडस्ट्री जो होती थी कंपनियाँ उनसे रिकॉर्डिंग आई, लोगों ने सुना थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने शौक के तौर पे ही रखा था ये सारा कुछ। 98 में जब एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, जिसमें 19 आदमी की डेथ ऑन स्पॉट हुई थी, उसमें मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी, आरफ हुसैन शाह उनका नाम था। खैर, मुझे ये नहीं लगा कि मेरा भाई की डेथ हुई है। जो 19 डेथें हुई थी वो सब मुझे लगा था कि ये मेरा परिवार है। तो मैंने उनकी डेथ की के ऊपर, उस एक्सीडेंट के ऊपर, एक बस के ऊपर एक कैसेट मैंने बना के रिलीज़ की। वो कैसेट लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की क्योंकि उसमें दुख भरी कहानियाँ बहुत थी, बिछोड़ा था। तो हमारा जो पहाड़ी कल्चर है, इसमें बिछोड़ा, जुदाई, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। काबिल भाई, आप बता सुने, मतलब काबिल बोला, तारिक परदेसी। तारिक भाई, आप बता सकते हो जो उस टाइम की कैसेट थी वो कितने रुपए में बिकती थी और आपको जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे कितने पैसे दिया करते थे? देखिए, उसमें स्टार्टिंग में जो मैंने कैसेट बनाई, मैंने अपने घर पर रिकॉर्ड किया। एक मेरे पास डबल कैसेट वाला एक वो टेप रिकॉर्ड था, मैंने CSD से लाया था, उससे मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ टंगार में मेरी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। जब वो कैसेट मैंने यहाँ दुकान से, वो 50-100 कैसेट में रात को डबिंग करता था, सुबह ला के दुकान पे जैसे बेचता था, आप यकीन करें कैसेट की कीमत उस टाइम 30 रुपये थी,
लेकिन मेरी वो कैसेट जो है 100-100 रुपए में लोगों ने खरीदी है उस टाइम यहाँ पे, वो लागत भी मेरी अपनी थी और प्रॉफिट भी मेरी अपनी थी जहाँ पे जो मैंने किया। उसके बाद जब वो कैसेट किसी तरीके से कैसेट कंपनी वालों ने, इंडस्ट्री वालों ने सुन ली श्रीनगर में, फिर उन्होंने हमसे वो दोबारा बनवाई तो उन्होंने उसको नेशनल लेवल पे, यानी बल्कि इंटरनेशनल लेवल कहूँगा कि पाकिस्तान तक वो कैसेट कंपनी का रबता था, उन्होंने भेजी, वहाँ तक लोगों ने सुनी और बहुत मशहूर हुई। उसके बाद मुझे इसका थोड़ा सा ये कीड़ा जहन में हुआ कि मैं इसको प्रोफेशनल हिसाब से गा सकता हूँ, अपने इसको प्रोफेशनल बना सकता हूँ अपने म्यूज़िक को, संगीत को, ठीक है। तो ये दो तकरीबन 99 और 2000 की बात है। 2001 में मेरी शादी हो गई उड़ी में मसरत नाज से, जो ऑलरेडी शी इज सिंगर, ठीक है। उनसे जब हुई तो फिर हमारा काम और बढ़ गया। काम जब और बढ़ा तो हमने ये सोचा कि अब इसको प्रोफेशनल बनाया जाए, प्रोफेशनल हिसाब से। मैंने सारे काम छोड़ के इसको प्रोफेशनल हिसाब से सीखा भी, मैंने दिल्ली तक जाके सीखा, मुंबई तक जाके सीखा, पाकिस्तान लाहौर तक जाके बड़े बड़े उस्तादों से सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ 30 सालों से। तो फिर हमने इसको प्रोफेशनल बनाया और अब अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से इंटरनेशनल लेवल पर करोड़ों लोग जानते हैं। तारू भाई, आप जो आपकी कैसेट 1998 में जो आप बोल रहे हो कि रिलीज़ हुई, क्या उसके अभी भी आपको वो बोल वो मिसरे याद है तो अपने चाहने वालों को वो सुना दो? नहीं, असल में उसमें मिसवारी कहूँगा, एक तो मुझे वो याद भी नहीं है, अगर याद होगा अभी तो इतनी दुख भरी कहानी है कि मैं उसे दोहरा नहीं सकता हूँ। मैं दोबारा उसमें थोड़े से अगर आप नहीं गा पाऊँगा, मैं उसका एक लफ्ज भी नहीं गा पाऊँगा। और कुछ आप कहें तो मैं गा सकूँगा, मियाँ मोहम्मद बख्शी साहब का कलाम हो। हाँ, मियाँ साहब का कलाम तो मैं गा सकता हूँ। जिस यारी बिच लालच होवे, जिस यारी बिच लालच होवे, कदे ओ तोड़ न चढ़े दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद, कंडिया नाल जवड़े दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद, कंडिया नाल जवड़ दी। एक गुना मेरा माँ पे देखन, एक गुना मेरा माँ पे देखन, ओए दे मन देस निकाला, लख गुना मेरा अल्लाह देखे, परदे पावण वाला, लख गुना मेरा अल्लाह देखे, परदे पावण वाला। और भाई, आपकी आवाज़ को अल्लाह और भी तरक्की दे और आपको भी अल्लाह तरक्की दे। आप हमें ये बता सकते हो कि जिस टाइम आपने मौसीकी स्टार्ट की, फाइनेंशियली किस तरह की सपोर्ट थी और आज के टाइम में किस तरह की सपोर्ट्स है फाइनेंशियली जो सिंगर आज कदम रख रहे हैं? देखो, फाइनेंशली जो है सिलसिला जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, आज भी कुछ ज़्यादा नहीं है उसका। लेकिन आज ज़रिए ही हैं, आप अपने आप को किसी ज़ुमरे में अगर मनवाना चाहें तो आज मनवा सकते हैं। सोशल मीडिया फ्री का है, आज आप अगर कॉलिंग के लिए भी अपना रिचार्ज मोबाइल करते हैं तो उसमें इंटरनेट डाटा आ ही जाता है, तो आपके पास ज़रिए है, आज आप फ्री कर सकते हैं। तब हमें पैसे लगाने पड़ते थे, यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता था, कैसेट कंपनी वालों से रब्ता करना पड़ता था, वो हमारी रिकॉर्डिंग करते थे, महीने दो महीने के बाद कैसेट रिलीज़ करते थे, फिर वो कैसेट किसी के घर पे जाती थी, कोई ख़रीदता था 30 रुपये लगा के जाके सुनता था, फिर उनको पसंद आती थी, तब हमारी मशहूरी होती थी। आज आप एक मिनट में, एक नाइट में अपने घर पर बैठ के आप, अगर आपके पास टैलेंट है, आप बनवा सकते हैं। आज बहुत आसानी है, सब ज़रिए हैं। यानी आज ये भी है, अगर मैं थोड़ा सा कुछ सीखा हूँ, अगर दूसरे किसी को सीखना है वो तो टेलीफोन के ज़रिए भी मुझसे फ़ोन पे भी बात करके बता सकता है कि ये सुर कैसे लगाना है, ये संगीत क्या होता है, कंपोजिशन कैसे बनती है। तो ये सब चीज़ें आज सोशल मीडिया जो है ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंसान के लिए, आज बहुत अच्छे ज़रिए। तब तो कुछ नहीं हुआ करता था। अगर हम मसरत नाज जी की बात करेंगे, आपने बोला कि वो उड़ी से बिलोंग करते हैं जी, तो आपकी उनके साथ अट्रैक्ट किस तरह हुए? वो मेरी रेडियो पे रिकॉर्डिंग थी, उनकी भी थी, और हम इकट्ठे वहाँ से हुए, अचानक एक दूसरे को देखा और एक साथ रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग में एक दूसरे की वॉइस अच्छी लगी, तो उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया एक साथ करना, रिकॉर्डिंग कैसेट्स दूसरा तीसरा ये वो, तो कुछ टाइम हमारा ऐसे साथ में चलता रहा। आपने वहीं पर उनको दिल दे दिया? हाँ, दे दिया या ले लिया वो तो एक ही बात है जी। तो तारक भाई, अपने देखने वालों को क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि हमारा फेसबुक पेज भी चल रहा है, हमारा यहाँ पे यूट्यूब
चैनल जो हमारे पोर्टल चल रहा है उसके लिए क्या मैसेज रहेगी? देखें जी, मैसेज जो है हमारे जो चैनल हैं जिससे ये वीडियो चलेगा, जो जो पेज हैं जिस पे ये अपलोड होगा, मैं उन सबको कहूँगा कि उस पेज को लाइक करें और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर करें। शेयर करने का मतलब ये होता है कि जितना हमारा कल्चर की बात है, ये हमारे कल्चर के ऊपर बात हो रही है, हमारी माँ बोली के ऊपर बात हो रही है, ये हमारी ज़बान के ऊपर बात हो रही है। अगर हमारी ज़बान से प्यार रखने वाले जितने लोग भी हैं, ऑडियंस जितने देखने वाले हैं, सब इसे शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है कि हमारा कल्चर फैलता है, हमारी ज़बान फैलती है। जिनके पास, जिनको नहीं पता है उनको भी समझ आएगी, वो भी देखेंगे। तो अपनी ज़बान के साथ, अपने कल्चर के साथ प्यार करें और इसे शेयर करें। और मेरा चैनल है यूट्यूब जो है सैयद तारिक परदेसी के नाम से, मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब करें। मेरा इंस्टाग्राम है सैयद तारिक परदेसी के नाम से, उसे फॉलो करें। फेसबुक पेज है सैयद तारिक परदेसी के नाम से, उसे फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर ले आ कोए खबे बोली।